अभी के अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टेकी संदीप को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके मोर इंटरेस्टिंग टेक वीडियो सबसे पहले। तो आप सभी प्ले स्टोर से काफी सारे एप्लीकेशंस जरूर इंस्टॉल करते हैं, मगर कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आप ट्राई करना चाहते हैं इंस्टॉल करने से पहले। क्योंकि मान लीजिए अब कोई एप्लीकेशन है जिसका साइज है 50 MB और आपको उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, बट आपको शक है शायद वो एप्लीकेशन आपके किसी काम का ना हो, तो आप चाहते हैं उस एप्लीकेशन को यूज करना, चेक करना उसे इंस्टॉल करने से पहले ताकि आपका 50 MB वेस्ट ना हो। तो आप अब उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं बिना इंस्टॉल किए। अगर आपको वो ऐप पसंद आती है तब आप उस एप्लीकेशन को अपने फोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ आप कैसे कोई भी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है उसे बिना इंस्टॉल किए आप उसे यूज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं वो एप्लीकेशन एक्चुअली करती क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे गाइस, आई एम योर बड़ी संदीप साहा एंड यू आर वाचिंग टेकी संदीप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब बात करते हैं इस फीचर को अपने फोन पे कैसे इनेबल करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है, उसके बाद प्ले स्टोर के सेटिंग्स पे वहाँ पे आपको बिल्ड वर्जन पे टैप करना है और चेक करना है आपका प्ले स्टोर लेटेस्ट वर्जन पे है या नहीं। तो अगर नहीं है तो आपको प्ले स्टोर को अपडेट करना है एकदम लेटेस्ट वर्जन पे। अपडेट करने के बाद आपको जाना है माय एप्स एंड गेम सेक्शन पे और वहाँ पे आपको अपडेट करना है गूगल के 3 एप्लीकेशंस को, फर्स्ट क्रोम ब्राउजर, सेकंड प्ले सर्विसेज एंड थर्ड गूगल एप्लीकेशन को। तो इन 3 एप्लीकेशंस को अपडेट करने के बाद आपको जाना है अपने फोन के सेटिंग पे, वहाँ पे जाना है गूगल पे। अब गूगल के अंदर आपको नया ऑप्शन दिखाई देगा इंस्टेंट ऐप करके। अगर आपको ये फीचर दिखाई नहीं दे रहा है तो अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट कर लो, फिर आपको दिख जाएगा ये फीचर। फिर आपको इंस्टेंट ऐप ऑप्शन को क्लिक करना है और इसे इनेबल करना है ऊपर से और नीचे से यस आई मीन पे क्लिक करना है। तो इंस्टेंट ऐप इनेबल करने के बाद आप जब भी प्ले स्टोर से कोई सा भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले, अपना डेटा वेस्ट करने से पहले आप उसे यूज कर सकते हो। तो आपको ये एक नया बटन दिखाई देगा इंस्टॉल के साथ साथ ट्राई नाउ करके, उस पर आपको क्लिक करके उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। अगर आपको वो एप्लीकेशन पसंद आए तब आप उस एप्लीकेशन को अपने फोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, ये फीचर काफी नया है तो सारी ऐप इस फीचर को सपोर्ट नहीं कर सकती है, यानी कि सभी एप्लीकेशंस पे ट्राई नाउ की ऑप्शन नहीं दिखाई देगी। बट फ्यूचर में ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन इस फीचर को सपोर्ट करेगी और सभी एप्लीकेशंस को ट्राई कर पाएंगे बिना इंस्टॉल किए। तो उसके लिए आप रेडी रहो और इस फीचर को अपने फोन पे इनेबल करके रख दो। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कर दो इस वीडियो को लाइक एंड सबको कर दो शेयर, और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।